प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, इसका हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम साम्यवाद की टर्म को समझ लेते हैं कि एक साम्यवाद का जिक्र प्लेटो करता है और दूसरे साम्यवाद का जिक्र मार्क्स करता है। साम्यवाद का अर्थ है सभी को समान करना। मुख्यतः ये एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकती है, अर्थात व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करे और सभी लोग जीवन के समान स्तर पर रहें और मिलजुल कर रहें, अर्थात सभी को समान करने वाली विचारधारा है। किंतु प्लेटो ने इस विचारधारा को आध्यात्मिक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि मार्क्स इसको भौतिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इतना परिचय कर देने के बाद मैं प्लेटो के साम्यवाद को समझाने का प्रयास करता हूँ। प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य है उसके न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना, किंतु वह अनुभव करता है कि इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में तीन गंभीर बाधाएं हैं, अज्ञान, निजी संपत्ति तथा निजी परिवार। प्लेटो ने इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख साधन स्वीकारे हैं, शिक्षा तथा साम्यवाद। उसका विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा अज्ञान पर विजय प्राप्त कर आदर्श राज्य की स्थापना का कार्य किया जा सकता है, किंतु इसके साथ ही वह ऐसे स्वस्थ वातावरण के निर्माण पर भी बल देता है जो अभिभावक वर्ग को उनकी उच्च प्रवृत्तियों के पतन से बचाए। निजी संपत्ति तथा निजी परिवार ऐसे प्रमुख भौतिक आकर्षण है जो श्रेष्ठ मस्तिष्क में भी स्वार्थ एवं पक्षपात के बीज बो देते हैं। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग को पतन से बचाने के लिए साम्यवाद के साधन को अपनाता है। प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा की विशेषताएं। प्लेटो ने अपनी साम्यवादी योजना देने से पूर्व अपने पड़ोसी नगर राज्यों में विद्यमान परंपराओं का अध्ययन किया। जैसे एक नगर राज्य क्रीट में भूमि सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। भूमि पर सभी का समान अधिकार था क्रीट में। इसी प्रकार एक नगर राज्य स्पार्टा, जो एथेंस का पड़ोसी नगर राज्य था, जिसमें निजी कृषि से उत्पन्न फसल का एक भाग राज्य के सार्वजनिक भोजनालयों को देना होता था। स्त्रियों के साम्यवाद की परंपरा भी सीमित रूप में विद्यमान थी। जैसे एगार्थीसेन, डॉक्टर श्रीराम वर्मा की किताब, पाश्चात्य राजनीतिक विचार में बताया गया है कि एगार्थीसेन लोग थे उस समय, वह अपनी पत्नियों को सामूहिक रूप से रखते थे, तो स्त्रियों के साम्यवाद की परंपरा भी उस रूप में विद्यमान थी। प्लेटो ने इन पड़ोसी राज्यों की साम्यवादी योजनाओं का अध्ययन करने के उपरांत अपने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए साम्यवादी योजना को स्वीकार किया और उसने दो प्रकार के साम्यवाद की कल्पनाएं की। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। यहाँ ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो की साम्यवादी योजना केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, अर्थात अभिभावक वर्ग
पर ही लागू होती है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है। यहाँ प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग को अर्थात शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को अपने पास निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो की मान्यता है कि निजी संपत्ति एक के लिए शासक वर्ग स्वार्थी हो जाते हैं और वह शासन सत्ता का उपयोग सार्वजनिक हित में ना कर व्यक्तिगत हित में करने लगते हैं और इससे शासन के भ्रष्ट होने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसलिए प्लेटो एक आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद की योजना को रखा। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को केवल अभिभावक वर्ग पर लागू किया है, इस वर्ग के संबंध में स्पष्ट करते हुए प्लेटो कहता है, सबसे पहली बात तो यह है कि उनके पास केवल उतनी ही व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी जितनी जीवन यापन के लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा आवास अथवा भंडार नहीं होगा जो सदैव ही सबके लिए खुला हुआ नहीं हो। युद्ध शिविर में रहने वाले सैनिकों के समान उनका सामूहिक भोजन व रहने की व्यवस्था होगी। समस्त नागरिकों में केवल उन्हीं के लिए सोने या चांदी का किसी भी रूप में स्पर्श करना या प्रयोग में लाना अथवा संग्रह करना अवैध होगा। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से एकदम विपरीत आधार वाला है। शुरू में ही मैंने बताया था कि आधुनिक साम्यवाद भौतिक है, जो मार्क्स द्वारा दिया गया है, और वह पदार्थ पे लागू होता है, वह आर्थिक साम्यवाद है, और जो प्लेटो का साम्यवाद है वह आध्यात्मिक साम्यवाद है। प्लेटो अपने साम्यवाद के को केवल अभिभावक वर्ग पर लागू करता है। फोस्टर कहता है कि प्लेटो के अभिभावक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं करना है, अपितु संपत्ति का सामूहिक रूप से त्याग करना है। इस प्रकार के साम्यवाद द्वारा सैनिक वर्ग तथा दार्शनिक शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित रखा गया है। सैनिक वर्ग तथा दार्शनिक वर्ग की प्रतिदिन की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व राज्य का है। राज्य इन दोनों वर्गों के लिए सार्वजनिक आवास गृहों तथा सार्वजनिक भोजनालयों की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार दार्शनिक वर्ग, क्योंकि यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति फिर कैसे होगी, तो इसके लिए प्लेटो योजना देते हैं कि वो जैसे सैनिक शिविरों में रहते हैं तो ऐसे ही उनको सार्वजनिक रूप से रहना होगा और सार्वजनिक जो राज्य का भोजनालय होगा उसमें भोजन करना होगा। इसके अलावा उनका एक ही उद्देश्य होगा, जैसे शासक वर्ग केवल राज्य के उद्देश्य को ध्यान रखे और सैनिक वर्ग सीमाओं की सुरक्षा में रत रहे। प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद का आधार। प्लेटो के अनुसार जब राज सत्ता तथा निजी संपत्ति का संयोग हो जाता है, जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं कि ये चीज़ दिखाई देती है कि जहाँ राज सत्ता है वहाँ निजी संपत्ति भी, मतलब दोनों मिल जाती हैं, तो राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि प्लेटो अपने
प्रारंभिक जीवन में जो मैंने उनकी जीवनी में बताया था कि उन्होंने राजनीति के गलत पक्ष को देखा और इनके मन में राजसत्ता से वृत्ति हो गई थी। और उन्होंने एक परिभाषा दी कि जब तक दार्शनिकों को राजा या राजाओं को दार्शनिक नहीं बना दिया जाता तब तक इस संसार को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य से वे चाहते थे कि राजा के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो कहते ही हैं कि यदि राजसत्ता निजी संपत्ति का समूह हो जाता है तो राज्य का पतन हो जाता है। शासक वर्ग अपनी धन पिपासा के लिए धन की प्यास के लिए राजसत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अतः प्लेटो राजनीतिक व अर्थ शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करके शासक वर्गों को केवल राजनीतिक शक्ति देने के पक्ष में है। संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य। पहला उद्देश्य, सार्वजनिक हित में वृद्धि करना। संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था के कारण शासक वर्ग के निजी आर्थिक स्वार्थ नहीं रहते हैं और वह सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। अर्थात उनमें स्वार्थ की जब संपत्ति उनके पास नहीं होती है तो उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती और वह सार्वजनिक हित में शासन सत्ता का प्रयोग करते हैं। दूसरा उद्देश्य, राज्य की एकता की रक्षा। जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या भी होती है और इससे राज्य की एकता को भय उत्पन्न हो जाता है। किंतु संपत्ति के साम्यवाद की योजना शासक वर्ग में इस प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने देती है और यह राज्य की एकता की रक्षक सिद्ध होती है। तीसरा, अभिभावक वर्ग के लिए कल्याणकारी। संपत्ति के साम्यवाद की योजना सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करती है और वह अपना पूरा समय व ध्यान अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में लगा सकते हैं। इस प्रकार संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य का अध्ययन करने के उपरांत हम संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना का अध्ययन करेंगे कि पहला है सद्गुणों के विकास में बाधक। आलोचना स्वरूप यह कहा जा सकता है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था अनेक सद्गुणों के विकास में सहायक होती है, जैसे दान, दया, परोपकार, आतिथ्य आदि के सद्गुण। किंतु प्लेटो ने निजी संपत्ति की संस्था के मात्र अवगुणों पर ध्यान दिया है जो अनुचित है। दूसरा, अमनोवैज्ञानिक। इतिहास यह सिद्ध करता है कि निजी संपत्ति की संस्था मानव स्वभाव का अंग है, किंतु प्लेटो अभिभावक वर्ग को इस संस्था से वंचित रखता है। तात्पर्य यह है कि निजी संपत्ति मानव के स्वभाव में बसी हुई है, कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति का परित्याग कर दे ये संभव नहीं है। तीसरी आलोचना, राज्य की एकता को खतरा। प्लेटो की संपत्ति की साम्यवादी योजना राज्य में एक ओर संपत्तिहीन अभिभावक वर्ग की रचना करती है और दूसरी ओर संपत्तिवान उत्पादक वर्ग की, क्योंकि प्लेटो उत्पादक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार देता है और अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता है। तो संपत्ति के हितों की दृष्टि से संपूर्ण राज्य दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है।
इससे राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। अगली आलोचना अर्ध साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद अभिभावक वर्ग पर तो लागू होता है किंतु उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। अभिभावक वर्ग के पास ना निजी संपत्ति होगी ना ही उसका निजी परिवार होगा, किंतु उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का और निजी परिवार रखने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार प्लेटो राज्य के एक वर्ग अर्थात अभिभावक वर्ग परिसाम्यवादी योजना को लागू करता है, शेष वर्ग पर नहीं। समाज के विकास में बाधक। निजी संपत्ति की संस्था व्यक्ति में प्रतियोगिता के भाव को उत्पन्न करती है और उसे विकास की प्रेरणा देती है, जिससे संपूर्ण समाज का विकास होता है। किंतु प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखता है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की उपरोक्त आलोचना अरस्तु एवं अन्य विद्वानों द्वारा की गई। अरस्तु इन बिंदुओं के अलावा एक अन्य दृष्टि से भी इस साम्यवादी योजना की आलोचना करता है। उसका मत है कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा तो उचित साधन है किंतु साम्यवाद नहीं। निजी संपत्ति से उत्पन्न लोभ आदि के दोष आध्यात्मिक प्रकृति के हैं और इनका इलाज साम्यवाद की भौतिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बीमारियों का भौतिक इलाज प्रस्तुत करता है। तात्पर्य यह है कि जो अरस्तु की कोटेशन, उन्होंने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद, जो प्लेटो ने साम्यवादी योजना दी है वो आध्यात्मिक है, मतलब वो आध्यात्मिक तरीके से साम्यवादी योजना को लागू करता है, जबकि साम्यवादी योजना भौतिक है। धन्यवाद।